तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। और आप देख सकते हैं मेरे साथ है अमित और बाइक। हम लोग आज जा रहे हैं मेहनगर। आज जीतिया का त्यौहार है, जो लेडीज़ों का त्यौहार होता है। मेरी मम्मी भी मतलब भूखी हैं, तो पूजा होगा शाम को जीतिया का। तो आज चलते हैं अभी मेहनगर। और बैकग्राउंड मेरे देख सकते हैं आप, पीछे मेरा गाँव है, ये गाँव की सड़क है। तो अभी चलते हैं मेहनगर, कुछ सामान लेना है, पूजा पाठ की जो सामग्री है वो लेंगे हम लोग, उसके बाद शाम को पूजा होगा। तो बने रहिए वीडियो में, आपको दिखाते हैं फिर शाम को कैसे जो जीतिया का त्यौहार कैसे मनाया जाता है, कैसे हमारे गांव में होती है पूजा आजमगढ़ में, हमारे उत्तर प्रदेश में। तो बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों, ये है मेहनगर आजमगढ़ का जो है हमारे रोड है, और बहुत ही अच्छा रोड है। यहाँ से अगर आजमगढ़ हम लोग जाते हैं तो समझ लीजिए कि आधे घंटे में पूरा आजमगढ़ हम लोग पहुँच जाते हैं। आजमगढ़ की दूरी जो है वो 25 किलोमीटर यहाँ से है, और ये स्प्लेंडर प्लस, ये अमित के भाई की शादी में मिली है स्प्लेंडर प्लस। अभी एकदम मस्त कंडीशन में पूरा बाइक मिल गई। ये गाँव डाकने के बाद दूसरा गाँव आता है दौलतपुर, उसके बाद हमारा जो मेहनगढ़ बाजार स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से जो मेहनगढ़ मार्केट है, यहाँ से आप देख सकते हैं बोर्ड लगा है, लालगंज, गोसाई बाजार, जौनपुर, मेहनाजपुर, बिंदर बाजार, वाराणसी, सब कितना किलोमीटर है सब इसमें दर्शाया गया है। चलते हैं मार्केट में, पहुँचते हैं तो आपको दिखाते हैं फिर। तो आप लोग देख सकते हैं ये मेहनगर की जो मार्केट में हम लोग आ चुके हैं, और उसके बाद यहाँ पे जो जीतिया की जो सामग्री है सब कुछ, फल से लेके हर सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे भीड़ है। तो दोस्तों, ये जो किराना वाली किराने की दुकान पे हम आज आ चुके हैं, और इस सामान जो है जो किराना वाला किराने स्टोर पे जो सामान मिलती है वो हम ले चुके हैं। यहाँ से नारियल भी मिल चुका है हम लोगों को, और ये दुकान वाले भैया हैं, यहीं से हम सामान लेते हैं। अभी चलते हैं फल लेना है, उसके बाद लेके फिर दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये आ गया हमारा मेहनगढ़ का गोला बाज़ार, और इसमें भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। बाइक कितनी खड़ी है रोड पर। यह है गोला बाजार। पहले यहाँ पे इस साइड में जगह है, पीपल का पेड़ है, यहाँ पहले रामलीला होता था, आज भी होता है, लेकिन अभी दशहरा आएगा तो उसके बाद लगेगा। इधर है अरे। तो दोस्तों, हमारे गांव में ये जो है सेंटर का जो है हमारे गांव में ये सिस्टम है। यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, और कुछ लोग यहाँ पे ढोल बाजा के साथ आए हैं, तो आपको मैं दिखाता हूँ अभी यहाँ का जो नृत्य है। रुकिए, आपको सामने से मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये प्रक्रिया होती है, फर्स्ट टाइम जब औरतें जब ये त्यौहार जब पूजा करना स्टार्ट करती हैं, तब शुरुआत में ऐसा प्रक्रिया होता है हमारे गांव में, और देख सकते हैं। और ऐसा ऐसा जो सिस्टम, इसको बोट बोलते हैं हम लोग अपनी देसी भाषा में, और ऐसा ऐसा हमारे गांव में कम से कम चार जगह होता हुआ, क्योंकि जो हमारा गांव है वो ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण चार जगह बैठता है। और हमारे गाँव के भैया लोग हैं, और आशीष भैया, और ये अभिषेक, और इधर लोग।
Hayır, hayır, hayır.